जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे अदनान का, और इसका सलूशन हमारा कंप्लीट हुआ था। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम तक, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल छूटेगी। आप लोगों ने किया इसको मुकम्मल के नहीं किया? अगर कर लिया तो अगले क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। ये स्टूडेंट्स बताइए, सर इसकी कैपिटल की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं आ रही? ओके जी, मैं देख लेता हूँ। जी ये देखें, ये आपको ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, ठीक है। कैश इन हैंड ओपनिंग एसेट है, कैश एट बैंक ओपनिंग एसेट है। अगर इसको कैलकुलेटर में हाथ में रखो तो 14300 प्लस 349100 प्लस ये सन्ड्री रिसीवेबल है, ये भी ओपनिंग एसेट है, इसको भी प्लस करें। उसके बाद इन्वेंट्री, ये भी एसेट है, इसको भी प्लस किया। ये लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, इसको माइनस किया। उसके बाद ये लाइबिलिटी है, इसको मैंने माइनस किया। अच्छा, इसको करने के बाद नीचे आइएगा, एक एसेट यहाँ दिया हुआ था, ये ओपनिंग एसेट बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट 285, इसमें 285,000 प्लस कर लें तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 593,200, ठीक है। ये कैपिटल आ जाएगा, ठीक हो गया? यस सर। चले फिर अगला क्वेश्चन शुरू करें, इसको छोड़ देते हैं, ये तो हो गया ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ये अगला क्वेश्चन जरा थोड़ा सा ट्रिकी है जी। सर इसमें ड्राइंग्स ठीक नहीं थी आ रही, ड्राइंग्स जरा बता दी। किसने क्वेश्चन में? ये सर अदनान वाले। अदनान वाले, हम में तो ये ड्राइंग्स गिवन है यार, 122,600, इसके अलावा तो कोई ड्राइंग्स नहीं है इसमें। इसमें तो कैलकुलेट ही नहीं करनी, आपको गिवन है क्वेश्चन। सर यही, इसके अलावा और कोई नहीं? नहीं और तो है ही कोई नहीं, है ना, पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें कोई भी नहीं है, ना कोई गुड्स ड्राइंग है, ना कोई शॉर्टेज है, तो यही वाली 122,600 की जो है ना गिवन है ड्राइंग्स, बस वही लेंगे आप इसमें। ओके सर, डन हो गया? यस सर। अब एग्जांपल 15 में आइएगा। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, इसकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन इसके ना लेंथी बहुत है और इसमें बहुत सी चीजें जो है ना सर साइट पे दी हुई है। ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज बुककीपर आसिफ फेल्ड टू रिकॉर्ड कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2015 ही हैज फॉरवर्डेड टू यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है पिछले साल की, जिसको आप ओपनिंग बैलेंस कह लें। ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, उसमें प्रोविजन लेस हुई है, प्री पेमेंट्स, कैश इन हैंड, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, अक्रूड एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब नीचे बैंक समरी दी हुई है, बैंक बुक, यहाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं है प्लीज, यहाँ अनप्रेजेंटेड वगैरह का कोई तौलक नहीं है, अगर दिए भी हो इग्नोर करने, क्योंकि ये बैंक बुक है। तो ये पहला लिखा हुआ है डिपॉजिट्स अगेंस्ट कैश सेल। अच्छा, ये याद रखना है, ये कैश सेल नहीं है, ये डिपॉजिट्स है। हो सकता है कैश सेल इससे ज्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कैश सेल इससे ज्यादा हो। उसके बाद रिसीवेबल्स, रिसीट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स, ये आ गया आपका। देन फर्नीचर सोल्ड ऑन 1st July 2014, परचेस्ड फॉर ₹280,000 ऑन 1st July 2011। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, सैलरी एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, सैलरीज पेमेंट की है, फर्नीचर,
परचेज किया आपने और इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया अप टू 31 मार्च 2015, ठीक है, नीचे पढ़िएगा, यू हैव कैरीड आउट द नेसेसरी सिक्योरिटी एंड असर्टेड द फॉलोइंग, आसिफ सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1/3 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट, या 1/3 सेलिंग प्राइस का ले लें या 50% कॉस्ट, आंसर एक ही है। On 30th June 2015, trade receivable aggregating 600500. These including 18,000 pertaining to the goods which were sent or sale or return basis and were unsold on 30th June. देखिए याद रखिएगा, जो goods sale or return basis पर आप देते हो वो हमारा trade receivable नहीं होता, यानी वो हमारी sale नहीं होती। तो ये आप 18,000 इसमें से minus करेंगे क्लोजिंग बैलेंस में से। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है 580,000 की। दूसरा लिख रहा है रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 2500 फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन जुलाई 2015। ये जो आपको रिसीट्स आ रही है रिसीवेबल्स की, इसमें से 2500 आपकी रिसीवेबल एडवांस है, ठीक है, एडवांस आपकी रिसीवेबल्स में नहीं आना चाहिए, या अगर आप इसको पूरा लोगे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर नेक्स्ट आएगा 3700 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर्स हु हैज फुली प्रोवाइडेड फॉर ऑन June 30, 2014 एंड न्यू कस्टमर हु वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 एंड नॉट 4200 वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। 4200 बैंकरप्ट हो गया और 3700 जो है वो हमें रिकवर हो गया, तो नेट इफेक्ट इसका 500 आ जाएगा, ठीक है। Then sundry expenses payable on June 30, 2015 amounting to 19,000 excluding interest on loan, whereas prepayment 9700. इसमें accrual भी दी हुई है, prepayment भी, opening में भी ये दोनों थे। Asif estimate that he withdrew ₹60,000 for his personal use, ये drawings आ जाएगी, and paid sundry expenses aggregating 25,000 before depositing the proceed from cash sale. तो sundry expenses bank के through भी हो रहे हैं, ऊपर देख सकते हो 212500 और कैश के थ्रू भी आप कर रहे हो। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन आ गई। बोनस इज पेएबल टू मैनेजर एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस। चले ये हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस वर ऑब्टेन फ्रॉम मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, इसमें परचेजेस गिवन है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, सेल्स रिटर्न, बस ये तीन चीजें थी। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल तो हमारी निकल आएगी, कहां से निकलेगी, ट्रेड रिसीवेबल से, लेकिन कैश सेल हमारी कहां से निकलेगी, ये कैश सेल नहीं है 624750, ये डिपॉजिट्स हैं। तो कैश सेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हिंट को यूज करना, यानी सिंपल, मैं परचेज गिवन है, परचेज से मैं निकालूंगा सीजीएस, सीजीएस से मैं कन्वर्ट करूंगा सेल्स, और उसमें जो क्रेडिट सेल निकली हुई है ऊपर हमने कैलकुलेट की हुई है वो हम लेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कैश सेल्स आ जाएगी। ये सीक्वेंस बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड द नेम इज आसिफ। ओके, अब इसमें हम लेंगे सबसे पहले उसी तरह आसिफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015। अमाउंट जो गिवन है हमें वो रुपीस में है, तो मैं रुपीस में रखूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे सेल्स चाहिए। अब सेल इंक्लूड्स बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, मैं एक ही वर्किंग में इसको कैलकुलेट करूंगा सेल्स को, सेल्स वर्किंग नंबर वन। सेल्स यहां मैं लिखता हूं वर्किंग नंबर वन,
सेल्स। अब सेल्स दो किस्म की होगी, एक क्रेडिट सेल और कैश सेल। क्रेडिट सेल्स भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसको मैं वर्किंग टू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद कैश सेल्स ये हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वर्किंग ये वर्किंग थ्री बेशक कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं, बाद में अगर कोई दूसरा नंबर हुआ तो हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, क्रेडिट सेल के लिए मुझे वर्किंग बनानी है, एंड दैट वर्किंग इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें आपको ट्रेड रिसीवेबल की बन है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मैं लेजर बना लेता हूँ। ये ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, आप इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, ये सामने देखिएगा 670,000, ये ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड पे आएगा 670,000। अच्छा, अब देखते हैं इससे आगे कौन सा डाटा जो रिसीवेबल से रिलेट कर रहा है। ये बैंक बुक है, ये देखिएगा रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन इसमें एक हिंट था, नंबर फोर, रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल्स इंक्लूड एडवांस ऑफ 2500 फॉर गुड्स डिलीवर्ड। आसान तरीका तो यह है कि 2500 इसमें से लेस कर दो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अब पहले आप पूरी रिसीट शो करो 3071,000, और फिर इस 3071 में 2500 की जो अमाउंट है वो मेरा एडवांस है वो रिवर्स कर दे, यानी ये मैंने रिवर्स कर दिया, यानी ये किसी का माइनस कर दिया। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप माइनस करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी आप कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखिएगा, इसमें क्लोजिंग रिसीवेबल दिए हैं, ये बाद में देखते हैं, कोई और चीज बैड डेट्स वगैरह कोई हुए तो वो भी देख लें वो गिवन है या नहीं है। 3700 was recovered from bad debts. इसका bad receivable से कोई ताल्लुक नहीं है। A new customer who was introduced in 2015 and owed 4200 was declared as bankrupt. ये bankrupt हो गया। इसको यहाँ लेके आइएगा receivable में bad debts, और bad debts मेरे आ रहे हैं 4200. And then sundry expenses payable 19,000 है, और प्री पेमेंट ये तो नहीं आएंगी। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, ये सेल्स रिटर्न देनी है 15,000, ये लीजिएगा। अच्छा, अब मैं क्लोजिंग बैलेंस ले, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ 600,500, ठीक है, लेकिन इसमें 18,000 के जो रिसीवेबल है वो हमारे रिसीवेबल नहीं है, तो 600,500 में से 18,000 लेस कर दें, तो ये अमाउंट आएगी 582,500, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब यहां से हम इसको सम करते हैं और बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेंगे, विच इज नोन एज क्रेडिट सेल्स। यहां सिर्फ क्रेडिट सेल निकाली है मैंने, कैश सेल की कोई अमाउंट मैंने यहां पुट नहीं की। अब इसका डिफरेंस ले लें, इट बिकम्स अ सेल्स, ये अमाउंट में से मैंने माइनस की इस अमाउंट को भी और माइनस किया इस अमाउंट, विच इज 300,200, दिस इज द सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स में से जब मैं यहां क्रेडिट सेल आऊंगा तो इस सेल में से आप माइनस करोगे सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, तो 2985,200 की मेरी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट आइटम ट्रेड रिसीवेबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा कैश सेल। अच्छा, अब कैश सेल के लिए हमने सीक्वेंस क्या बनाया था, जो हमने थिंक किया था सीक्वेंस, कि सबसे पहले आप निकालोगे परचेज, ठीक है, परचेज में आप पहले परचेज निकालोगे वो गिवन है, परचेज को कन्वर्ट करोगे सीजीएस में, सीजीएस जब आएगा उसमें मार्जिन लगाओगे, प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन, तो मार्जिन लगाने के बाद फिर आप जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट बिकम्स द सेल्स, और उस सेल में से फिर मैं क्रेडिट सेल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल यानी कैश सेल्स आ जाएगी। तो ये काफी लंबी वर्किंग आएगी, ठीक है,
अब उसके लिए हम वर्किंग नेक्स्ट मूव करते हैं और हम बनाएंगे सबसे पहले CGS. तो CGS यही बना लेते हैं, CGS is equal to, या वही लिख लेते हैं C से नीचे, CGS is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आप देखिएगा 482,500, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया. एट इसमें अब हमने परचेज ऐड करनी है, परचेज क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिएगा बिल्कुल लास्ट में आपको नजर आ रहा है नंबर 10 में पहली आइटम 2570 और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा क्लोजिंग स्टॉक में बेसिकली दिया तो हुआ है 580 लेकिन ये सेल और रिटर्न का इसमें शामिल नहीं है, तो इसकी अलग से वर्किंग बना लेते हैं. अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, फिर उसको लेस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. अच्छा स्टॉक ऑन हैंड जो गिवन है दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन और स्टॉक हमारे पास गिवन है 580,000. इसमें ऐड करोगे गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस. अच्छा जो गुड्स आप रिटर्न बेसिस पर बेचते हो ना वो सेल नहीं होती जब तक के वो थर्ड पार्टी को सेल ना हो जाए, और क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स हैं 18,000 की जो रिसीवेबल में शामिल थी वो अभी तक सेल नहीं हुई, विच वर अनसोल्ड ऑन जून 30. भाई अनसोल्ड है तो वो गुड्स हमारे पास नहीं है, वो उस पर्सन के पास है जिसने इसको सेल करना है, तो ये लेकिन वो स्टॉक हमारा है उसको ऐड कर लें. अब ये 18,000 की अमाउंट है, ये सेल्स प्राइस है, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है तो अब आप इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा. अच्छा हम जो सेल कर रहे हैं नॉर्मली वो देखिएगा कॉस्ट पर 50% ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट है ये 150% है, इसको 1.50 पे मैं डिवाइड कर देता हूं. 18,000 डिवाइडेड बाय 1.50 तो ये मेरे पास स्टॉक आया जो रिटर्न बेसिस पर है, इन दोनों को ऐड कर लें, ये जो अमाउंट आया दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Excuse me, sir, sir, ये दोबारा बता दें कि हमने goods and return basis इसमें add क्यों किया, reason. अच्छा, देखो goods and return basis एक ऐसी goods होती हैं जो आपने किसी third party, किसी party को देते हैं इस बिहाफ पर कि आप हमारे, इस वजह इसलिए देते हैं कि आप सेल कर दें हमारे बिहाफ पर. ठीक है अब जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपके जो न्यूज पेपर्स होते हैं न्यूज पेपर सेल और रिटर्न बेसिस पर होते हैं, यानी मैंने अगर आज 1,000 न्यूज़पेपर बाय कर लिए तो मैंने शाम को जितने सेल होंगे उसकी पेमेंट कर दूंगा और बाकी वापस कर दूंगा. सेल रिटर्न बेसिस का लॉजिक ये होता है कि ये स्टॉक उसका होता है जिसका ओरिजिनल स्टॉक है, यानी हमारी कंपनी ने आसिफ ने अगर ये स्टॉक रिटर्न बेसिस पर दिया है थर्ड पार्टी को सेल करने के लिए और अभी वो सेल नहीं हुआ, बेशक स्टॉक आसिफ उस पार्टी के पास पड़ा हुआ है लेकिन वो स्टॉक आसिफ का है और वो हमारी सेल नहीं है, इसलिए सेल नहीं है तो हमने रिसीवेबल से माइनस कर दिया. जब रिसीवेबल से माइनस करेंगे खुद बहुत सेल में से माइनस हो जाएगा. और नंबर टू जो ये स्टॉक ऑन रिटर्न बेसिस आपका जो स्टॉक है वो हम स्टॉक में ऐड कर लेंगे, लेकिन जब स्टॉक में ऐड करेंगे तो कॉस्ट में कन्वर्ट करके उसको ऐड करेंगे, वो सेल प्राइस पे एंटर नहीं होगा. ठीक हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आगे. अच्छा चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं. ये क्लोजिंग स्टॉक, ये अच्छा स्टॉक आ गया, ये स्टॉक यहाँ पुट कर देते हैं सीजीएस में 592,000. अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये 2,460,500 मेरी CGS आ गई, ठीक है. अब मैंने सेल कन्वर्ट कर ली, मैं यही CGS यहाँ लाता हूँ, CGS है 2,460,500, ये कॉस्ट आ गई. अब इसमें प्रॉफिट ऐड करता हूँ एट मार्कअप, और मार्कअप वो कह रहा है 50% ऑन कॉस्ट, यानी इसी कॉस्ट का 50% लेता हूँ,
ये प्रॉफिट हो गया। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा इस बिकम इस सेल्स, ये नेट सेल्स होती है, ये आप ये जो हम सेल कैलकुलेट करते हैं ये नेट सेल्स, ये सेल्स आप। लेकिन मुझे सेल्स अभी नहीं निकालने, मुझे कैलकुलेट करना कैश सेल्स। अब इसके लिए मैं लूंगा इसमें से लेस कर देता हूँ क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल जब मैं लेस करूंगा ये 2985 की अमाउंट, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दिस शैल बी नॉन एज कैश सेल्स 705500, ये मेरी कैश सेल आ जाएगी। और इस कैश सेल को मैं यहां लाता हूं 705550 और इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी और ये वही सेल होगी जो वहां पर कैलकुलेट हुई है। कि कैश सेल मैंने क्यों निकाली, हालांकि मैं सेल यहां से भी निकाल सकता हूं, ये निकल आई है इसलिए कि आगे हमें जरूरत पड़ेगी कैश सेल्स की, कैश का लेजर तो बनाना पड़ेगा आपको। ये 369,0750 की जो अमाउंट है ये मेरी सेल है, इस अमाउंट को मैं यहां ले आऊं, दिस इज अ फर्स्ट अमाउंट, ठीक है 369,0750। अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैं डायरेक्ट यहां से वैल्यू उठा रहा हूं 2460500। ये देखिए जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल लेस करूंगा सेल्स में से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आया 1235250। अच्छा अब इसके बाद आगे चलिएगा क्वेश्चन में, अदर इनकम में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव दिया उसको ऐड कर दें। अब ये दूसरा फॉर्मेट आज लेगा एट डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट अलाउड है भी नहीं तो गेट ऑफ भी नहीं कर सकता, तो ये 30,300 ये अमाउंट है। अब इसको सिर्फ प्लस कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस एक एक लेते जाएंगे सर। यहाँ हमारी सेल्स रिटर्न भी थे तो वो हमने नहीं लिया क्योंकि वहां पे माइनस पहले कर दिया, इसलिए नहीं लिया हमने सेल रिटर्न। ये देखो ये सेल है और ये रिटर्न है, इसको माइनस करके ये अमाउंट आ रही है 2985, लेस करके लिखा है। ओके सर, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, उस तरह लिखा नहीं है रिटर्न का वर्ड। अच्छा अब एक्सपेंसेस में आएंगे तो एक्सपेंसेस ये तो ओपनिंग बैलेंस है, यहां से चलिएगा। हाँ ये जरूर देंगे अक्रूअल और प्रीपेमेंट देंगे, देखो ये प्रीपेमेंट है और ये अक्रूड एक्सपेंसेस। अच्छा अब यहाँ पर पेमेंट्स में क्रेडिटर ये तो छोड़ दें, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये मेरे एक्सपेंसेस आएंगे। अच्छा सन्ड्री एक्सपेंसेस में, अब चूंकि सन्ड्री मुतफरक एक्सपेंसेस को कहते हैं, इसमें सारे एक्सपेंसेस शामिल होंगे। अब इसमें अक्रूअल भी है प्रीपेमेंट भी है ओपनिंग, जब ये दिया हुआ तो प्रॉपर लेजर बनाएंगे। ये जो आपका आपकी बुक के अंदर ये जो सॉल्व कर रहा है प्लस माइनस से, ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप प्रॉपर लेजर बनाओ जैसे बनाए जाते हैं, और ये चीजें इतनी दफा डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास के अंदर, तो ये लेजर्स वाली तो इसको तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब सन्ड्री एक्सपेंसेस का ओपनिंग अक्रूवल कितना दिया हो, देखो प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट है 3,800, प्रीपेमेंट ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा बैलेंस पीटी और ये आ रहा है 53,800, और अक्रूवल का ओपनिंग बैलेंस देखिएगा 21,700। ये ओपनिंग बैलेंस आ गए। उसके बाद जो जो चीज आ रही है हम लेते जाते हैं इससे आगे। ये देखिए पेमेंट की आपने चेक बैंक के थ्रू 212,500 जो पेमेंट करेंगे, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे 212,500। उसके बाद नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं, इसमें नंबर वन एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 हम नंबर 6 देखें, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेबल ऑन 30 जून 2015, ये क्लोजिंग बैलेंस है अक्रूव का, ठीक है क्लोजिंग बैलेंस अक्रूवल का यहां पर आएगा बैलेंस कैरी डाउन
और क्लोजिंग बैलेंस है 19,000 का और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वेयर एज प्री पेमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 9700 और इसके अगेंस्ट जो प्री पेमेंट है वो 9700 यानी प्रीपेड एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो 9700 है वो इस साइड पे आ जाएगा 9700। अच्छा अब इसमें फर्दर पेमेंट की है वो यहाँ पर भी आ रही है हमने एक मैंने पढ़ी थी यहाँ पर ये देखिएगा नंबर 6 आसिफ एस्टिमेट दैट ही विड्रॉ 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड सैलरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीस 25,000 25,000 से सैलरी एक्सपेंसेस भी पे की तो वो भी पेमेंट की है कैश में 25,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो मैं ट्रांसफर करूंगा एसओसीआई को इसको टोटल कर लेते हैं इसका टोटल आया 313 300 यही टोटल यहां ले जाएंगे अब इसमें से ये लेस कर देते हैं दोनों अमाउंट्स तो 278,900 की अमाउंट आ गई ये बैलेंसिंग वैल्यू है 278,900 ये मैं पहले यहां लिख देता हूं सेंट्री एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर चले मैंने नंबरिंग नहीं की हुई तो लेकिन ये नंबर 4 बनेगा ठीक है ये वर्किंग 4 और फिर नंबरिंग बाद में कर लेंगे ये 278,900 की अमाउंट यहाँ ले आती ये पहली अमाउंट आई हमारे एक्सपेंसेस की सन्ड्री एक्सपेंसेस इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हेडकोर्स है सन्ड्री एक्सपेंसेस के पास सैलरीज आ रही है अच्छा सैलरीज का कोई भी एडजस्टमेंट हमने नहीं देखी सैलरीज एज इट इज लिखते हैं सैलरीज 440,400 सैलरीज के बाद फिर हमारे पास फर्नीचर आता है फर्नीचर तो एसेट है तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अच्छा ये है 31 मार्च तक पे हुआ है तो लोन कितना है ये देख लेते हैं ऊपर लेकिन लोन आ रहा है 500,000 इसका 6% इंटरेस्ट है तो सिंपल यही आप कैलकुलेट कर लो वो तो पेमेंट है अब तो इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलेगा 500,000 का 6% यानी 500,000 इंटू 0.06 ये 30,000 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे अच्छा यहां खत्म हुआ एक्सपेंसेस अब इससे नीचे आएंगे पहला आसिफ सेल गुड्स एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस ये नहीं आएगा ऑन 30th जून 2015 ट्रेड रिसीवेबल एग्रीगेटिंग 600,500 इससे भी कोई तलक नहीं है ये रिटर्न का है क्लोजिंग स्टॉक का भी कोई तलक नहीं है एडवांस भी छोड़ दीजिएगा एक्सपेंसेस उठाने हैं सिर्फ अभी मैंने हाँ जी नंबर 5 3700 वाज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑन जून 30 2014 फिर आगे लिख रहे हैं न्यू कस्टमर हु वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 एंड ओल्ड 4200 वाज डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट ये 4200 हमारा बैंकरप्ट हो गया ठीक है अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें क्लोजिंग अलाउंस उसने नहीं दिया ओपनिंग प्रोविजन दी हुई है 30/37 क्लोजिंग क्यों नहीं दी हुई क्लोजिंग प्रोविजन तो बैड डेट्स हो गए 27,000 में से 4200 लेस कर दें 27,000 माइनस 4200 2,800 2,800 डबल 2,800 आ जाएगा Okay.
चले इसको छोड़ दें, ये इसको अगर नहीं दिया हुआ ना तो फिर ऑल्टरनेट मेथड यूज करेंगे कि जो डिफरेंस है ना, इसका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस में डालेंगे, ठीक है। यानी 4200 मेरा बैड होगा और 3700 रिकवर हो गया, 500 आ गया, ये मैं इससे इंक्रीज कर दूंगा प्रोविजन को। जब इस मेथड को यूज करेंगे फिर बैड डेट यहाँ नहीं लेने, ये काट रहा हूँ ये यहाँ नहीं आए, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें आपका नॉर्मली होता क्या है, अलाउंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया होता है आपको अलाउंस का, फिर आप निकालते हो क्लोजिंग अलाउंस। इसका जो डिफरेंस होता है वो या वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज को हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करते हैं और दूसरी तरफ प्रोविजन में एड हो जाता है। इस वक्त आपको ये गिवन ना हो क्लोजिंग अलाउंस, उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुई होती है ना, मसलन 4200 वो कहता है जी बैड हुए हैं, ये बैड डेट्स हैं, और वो कह रहा है जी कि 3700 हमें रिकवर्ड हो गए, अब इट मींस कि जो मेरा लॉस हुआ है वो 500 का है, तो 500 में प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूंगा, यानी डेबिट करूंगा मैं बैड डेट्स जो मेरे एसओसीआई में शो होंगे, और क्रेडिट में ट्रेड रिसीवेबल नहीं करूंगा बल्कि अलाउंस को क्रेडिट करूंगा, अलाउंस के अगेंस्ट मैं इसको एडजस्ट करूंगा, ठीक है। ये अमाउंट यहां लाता हूं मैं बैड डेट्स एक्सपेंस, और बैड डेट एक्सपेंस मेरे आएंगे 500, ठीक है। मैच का शुरू हुआ सर, बेटा जी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, अपना जो और अगर क्वेश्चन नहीं करना तो ऑडियो जो है वो म्यूट करें। समन आरिफ ऑडियो, अच्छा ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस वक्त हमें क्लोजिंग अलाउंस नहीं गिवन होता तो हम सिंपल बैड डेट्स और उसकी रिकवरी डालकर 500 की जो अमाउंट आ रही है उसकी एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स डेबिट, जो बैड डेट्स हैं वो मेरे एसओसीआई में चार्ज हो गए 500, और क्रेडिट अलाउंस हो जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाएगा, यानी ये अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में जाएगी और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में ट्रांसफर हम करेंगे, ठीक है। अच्छा अब बैड डेट एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट आइटम लीजिएगा, इसके बाद फर्दर एक्सपेंस देखे सेंट्री एक्सपेंसिस हम ले चुके हैं, और उसके बाद ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग एसओसीआई में नहीं आती, 25,000 की अमाउंट आप ले चुके हो, अब डेप्रिसिएशन रह गई फर्नीचर पर और बोनस रह गए, ठीक है। और यहां पर भी देख लो कोई आइटम नहीं रह गई, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, अच्छा यहां से देखिएगा, एक फर्नीचर आपने सेल किया था 122,400 का, और फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 280,000, यानी ये आपने खरीदा था 280,000 1 जुलाई 2011 को बाय किया था आपने 280 में, और अब 1 जुलाई 2014 को सेल कर रहे हो 122,400 में। इस पे आप देखेंगे गेन हुआ है ये या लॉस हुआ है, तो इसकी वर्किंग बनाएंगे यहां पर, ये वर्किंग मैं यहां ले आता हूं, वर्किंग नंबर 5 गेन और लॉस। अभी तो मुझे नहीं पता कि गेन आएगा या लॉस, इसलिए दोनों वर्ड ऊपर हेडिंग में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एसेट आपने खरीदा क्या था, फर्नीचर की कॉस्ट क्या थी, जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो एसेट को, वो आपने कितने में बाय किया था फर्नीचर, वो आपने बाय किया था 280,000 का। अच्छा अब मैंने इसको डेप्रिसिएट करना है, डेप्रिसिएशन रेट 10% है, और कितने साल हमने इसको यूज किया, 1 जुलाई 2011 से लेकर 1 जुलाई 2014 तक 3 years तक हमने इस एसेट को यूटिलाइज किया है। सो 3 साल की पहले मैं डेप्रिसिएशन लेस करता हूं, व्हिच इज नॉन एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब मेथड देख लें कौन सा है, मेथड वो कह रहा है जी कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो 10% इनटू 3 स्ट्रेट लाइन हुआ ना, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो तो 30% डेप्रिसिएशन आ गई, इस अमाउंट की 30% डेप्रिसिएशन ले लो 3 साल की, ये 4000 आ जाएगी,
84,000 को मैं जब लेस करूंगा दैट इज नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट. अब नेट बुक वैल्यू चेक कीजिएगा क्या आ रही है, दैट इज 196,000. अच्छा अब इसको हम सेल कर रहे हैं, सेल्स प्रोसीड्स. अब कितने में सेल कर रहे हैं हम इसको, ये देखिएगा ये बैंक बुक में आ रहा है 122,400 में. मेरा लॉस आ गया और ये लॉस मेरा एसटीआई में चार्ज हो जाए. वो लॉस यहां लाता हूं, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर व्हिच इज इक्वल टू 73,600. ठीक है, अब इसके बाद अब हमारे पास रह गई सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. और इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे 6. इसकी वर्किंग इसलिए जरूरी है कि एक एसेट डिस्पोज भी किया आपने, उसको लेस भी करना पड़ेगा जी. तो वर्किंग 6 मैं ऊपर हेडिंग देता हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. ये क्वेश्चन में आएगा ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं कितना है फर्नीचर का, और कॉस्ट 8 नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है. 825 का हमारे पास जो एसेट है यानी फर्नीचर brought forward 825,000. इस फर्नीचर की कॉस्ट में से पहले वो लेस कर देंगे जो डिस्पोज किया, और ये जो डिस्पोज किया ये साल के शुरू में किया 1st जुलाई. इसमें से कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करते हैं जो आप इंट्रो में भी पढ़ते हो. अब इसमें से लेस करेंगे डिस्पोजल, और डिस्पोजल जो हम लेस कर रहे हैं वो 80,000 की है. इसको पहले लेस कर दो. अब जो रिमेनिंग एसेट आ रहा है मेरे पास दिस 545,000, इस पर मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन जो एसेट डेप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि साल के शुरू में सेल किया. अच्छा इसके अलावा आप देखो हम यहाँ पर न्यू एसेट खरीद रहे हो, न्यू फर्नीचर हम बाय कर रहे हैं 64,000 का, और ये फर्नीचर हम बाय कर रहे हैं 1st जनवरी 2015 को, 1st जनवरी 2015 को परचेज कर रहे हैं. ओके, तो इसका मतलब है कि 6 मंथ यूज किया, जून में अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, तो इस पे 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी. तो न्यू एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे लोगे, 64,000 इंटू 10% इंटू 6 बाय 12. ठीक है, इस सारी कैलकुलेशन को हम शो करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 64,000 इंटू 10% इंटू 6 बाय 12. ये डेप्रिसिएशन आ गई 3,200. इन दोनों डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर लेंगे तो ये मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा. ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम लेकर जाना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अब ये मेरी वर्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई. इस अमाउंट को यहाँ ले आइएगा 57,700 को. अब इसके अलावा एक नजर और देख लेते हैं, कोई एक्सपेंस तो नहीं रह गया. यहाँ पर देखें सन्ड्री एक्सपेंसेस ले चुके हैं, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर एक आइटम भी रह गया मुझे सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी. सैलरीज इंटरेस्ट ऑन लोन, यस ये लिया हमने, यस ले लिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा एक्सपेंस. यहाँ से हमने देखा तो एक्सपेंस में हमारे पास एक बैड डेट्स की वर्किंग आई, वो हमने कर ली. सन्ड्री एक्सपेंसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था और 25 ये भी ले चुके हैं, डेप्रिसिएशन भी ले ली, सिर्फ बोनस रह गया. ओके, और बोनस है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी मैं कमीशन को लेस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसका 5% लेना. तो इसका तरीका क्या होता है कि हम पहले यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, यानी इसको पहले सम कर ले इन तमाम एक्सपेंसेस को, हम टोटल कर लेते हैं 881,100. इसको लेस करूंगा तो ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले का प्रॉफिट.
ये 379,450, लेकिन अभी ये नेट प्रॉफिट आया नहीं, अब मैं कमीशन कैलकुलेट करूंगा। सो प्लीज ये पॉइंट जरा पहले समझिएगा, फिर मैं लिखूंगा। देखिएगा, मुझे कमीशन जब लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर कमीशन, जिसको नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब मुझे कमीशन किस अमाउंट पे निकालनी है, कमीशन है 5% इस अमाउंट पर। ये जो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ए का वर्ड लिख रहा हूँ, ये जो मैंने ए आपके सामने लिखा है, ये वाले मुझे इस पर कमीशन चाहिए, और ये अमाउंट है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिकली अगर चलूं तो इक्वेशन बना लूंगा, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है उसमें अगर मैं कमीशन को ऐड कर दूं रिवर्स चार्ज, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, या नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन लेस कर दूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा। तो इसमें दो मेथड्स हैं, पहले मैं इस मेथड को इक्वेशन मेथड में ले रहा हूं, ठीक है, ये वर्किंग 7, मैं कमीशन निकाल रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा जो हमने एग्जाम में यूज करना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली पूरा अंडरस्टैंड करो कि हमने करना कैसे है। देखो मेरे पास प्रॉफिट, मैं नेट करता हूं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज ए इज इक्वल टू ए, जैसे मैथमेटिकली हम करते हैं, ठीक है, ये मैंने नेट कर लिया। अब मैं इक्वेशन बनाता हूं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ए, इसमें रिवर्स जा रहा हूं तो प्लस करूंगा कमीशन, और कमीशन है 5% किसका, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, तो इसको मैं 0.05 ऑफ ए लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 379,450। अब अगर देखें इसका यहां टोटल करूंगा तो 1.05 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 379,450। और अब जब मैंने ए के वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ए मीन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो 379,450 को आप डिवाइड कर दो 1.05 पर, तो ये आ रहा है 361,381। ये मेरी आ गई प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जब मैंने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैलकुलेट कर लिया, अब मैं इनका दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कमीशन आ जाएगा, इस अमाउंट का 5% लूंगा तो कमीशन आ जाएगी, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ये कमीशन आ गई 18,069, ठीक है। और ये कमीशन चूंकि मैंने माइनस करनी है, तो ये माइनस का साइन लगा देता हूं यहां पर, दिस वन, ये बहुत माइनस हो जाए। अच्छा, अब इसका अल्टरनेट क्या है, देखें दूसरा मेथड। जब मुझे मालूम है कि कमीशन जो है वो 5% है उस प्रॉफिट का जो आफ्टर कमीशन है, लेकिन मेरे पास गिवन वैल्यू कौन सी है, बिफोर कमीशन। जिस चीज पर परसेंटेज निकालनी होती है हम मैथमेटिकली उसको 100 अज्यूम करते हैं, इसका मतलब अगर नेट कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है तो कमीशन 5 हुई, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ गया 105। ये वैल्यूज यहां लिख के आपको शो कर रहा हूं, अगर ये मैं 100% लेट करता हूं तो ये 5% होगा, ये अमाउंट 105% होगी। अब मुझे ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको अब मैं यहां लाता हूं, शो कर रहा हूं 379,450 की अमाउंट लूंगा, और ये कितने परसेंट है 105, इसको 105 पे डिवाइड करता हूं, और मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूं 5%, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, और अगर इसको कैलकुलेट करें 379,450 इनटू 5 बाय 105, तो ये वही अमाउंट आ रही है 18,069। तो आसान तरीका ये होता है कि कमीशन जब भी निकालनी हो तो जो प्रॉफिट गिवन होता है उसका After commission हो तो 5/105 कर। अब अगर 10% commission हो तो मैं 10/110 करूंगा। 8% commission है, 8/108 करूंगा। जैसे ही amount निकली तो अब ये मेरा profit calculate हो चुका है। This one is the net profit after commission। ये मेरा पहला हिस्सा solve हुआ, statement of comprehensive income। लेकिन इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी काफी कैलकुलेशंस हैं। अब इसी तरह इसको मूव करेंगे, नीचे लेके जाता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड यू नो दैट कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी एज एट होती है, एज एट। लेट्स स्टार्ट, पहली हेडिंग एसेट्स। अब एसेट्स में जो पहली सब हेडिंग आएगी दैट इज नॉन करंट
एसेट्स। ओके, अब नॉन करंट एसेट में देखें कौन कौन से हैं। स्टार्ट लैंड एंड बिल्डिंग 130, ये ओपनिंग बैलेंस है। पूरे साल में हमने सारा पढ़ा, ना इसकी कोई डेप्रिसिएशन है, ना कोई एडिशन है, ना कोई डिस्पोजल है, तो ये एज इट इज वैल्यू आ जाए। तो मैं पहले लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, ये अमाउंट आएगी 130,000। दूसरा एसेट जो है वो क्लियरली फर्नीचर दिया हुआ, फर्नीचर। पहले मैं इसकी कॉस्ट लेता हूं। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसको भी अब मैं कहते हो मैं वर्किंग में कन्वर्ट कर देता हूं, छोटी सी वर्किंग आएगी, वर्किंग नंबर 8। क्योंकि इस फर्नीचर में एक एसेट आप नया खरीद रहे हो, एक सेल कर रहे हो, उसको प्लस माइनस करना है। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस लीजिएगा, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है कॉस्ट पे 825,000। इसमें अब देखिएगा, यहां पर एक एसेट में खरीद रहा हूं और एक एसेट में सेल कर रहा हूं। ठीक है, ये एसेट में परचेज कर रहा हूं, जो परचेज करूंगा उससे एसेट बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इसको ऐड कीजिएगा। और परचेज कर रहा हूं मैं 64,000, लेकिन एक एसेट में डिस्पोज भी कर रहा हूं और उसकी कॉस्ट है 280,000, और जो डिस्पोजल है उसकी कॉस्ट को मैं माइनस कर देता हूं 280,000। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, ये मेरा एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 609,000। अच्छा, अब मुझे इसमें से लेस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दी हुई है 485,000। ये मैं यही शो कर रहा हूं वर्किंग, 485,000 प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे निकाली है 57,500। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से लेस कर देंगे, 485,000 प्लस 57,700। तो ये मैंने लेस किया 542,700 की अमाउंट, ये लेस हो गई। और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहां पर आ जाएगी फर्नीचर। ठीक है, देखिएगा फर्नीचर की ओपनिंग डेप्रिसिएशन 485, लेकिन इसको भी वर्किंग में कन्वर्ट करना, डिस्पोजल नहीं लिया मैंने, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन खत्म भी करनी है, इसको वर्किंग नंबर 9 में कन्वर्ट करो, ज्यादा बेटर। सेम ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, इसी को आप कन्वर्ट कर। अब मैं सिर्फ हेडिंग दे रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, 485। अच्छा, यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, वो इस डेप्रिसिएशन को बढ़ाएगा, और मेरी इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 57,700 है, और जो एसेट डिस्पोज किया है उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, ये देखिएगा 84,000, ये माइनस कर दिया इज इक्वल टू, इस अमाउंट को यहाँ ले आता हूँ 84,000, ये 458,700 बन रहा है। ठीक है, तो वो डिस्पोजल उसमें से मैंने पहले लेस नहीं किया था, तो ये 153,000 की अमाउंट आ गई आपके पास। ये मेरे नॉन करंट एसेट है, इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, ये आपकी पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स आएंगे। ओके, इसको पहले टोटल करना जरूरी है, नॉन करंट एसेट को इसको प्लस किया 283,000। अब इसमें मैं करंट एसेट की तरफ आता हूं, हमने मार्शलिंग पढ़ी थी, तरतीब पढ़ी थी अकाउंटिंग में, सबसे पहले आपने प्रीपेड लेना है, प्रीपेड और क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंस हमें यहीं से मिल जाएगा, यहां मैंने लेजर बनाया था, ये देखिएगा ये 9700 मेरा क्लोजिंग प्रीपेड है, ये अमाउंट यहां लिखी। प्री पेमेंट के बाद इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री या स्टॉक, और इन्वेंट्री जो है वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, ये देखिएगा 592,000 की ये अमाउंट थी। अब मैं लेता हूं अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अच्छा इसकी वर्किंग बना लेते हैं क्योंकि इसमें से मैंने वो भी लेस करना है, ये नेट का वर्ड लिख रहा हूं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वर्किंग नंबर 9 में।
सो वर्किंग नाइन अकाउंट्स रिसीवेबल नेट. अच्छा अकाउंट्स रिसीवेबल हैं कितने हैं आपके ग्रॉस, पहले ग्रॉस अमाउंट देखो. अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस है 582,500. हमें बजाय कि क्वेश्चन में जाऊं यहीं से उठा लेता हूं 582,500. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने जो कैलकुलेट किया था 18,000 लेस करके, इसमें से मैं अलाउंस लेस कर देता हूं. अलाउंस का पहले ओपनिंग बैलेंस लेस कर देता हूं. अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस कितना है ये देखिएगा क्वेश्चन में, 27,000. ये 27,000 लेस किया, फिर मैं लेस करूंगा ड्यूरिंग द ईयर जो आपने किया, ड्यूरिंग द ईयर. अब ड्यूरिंग द ईयर जो अलाउंस क्रिएट किया ये 500 का, जिसकी एंट्री मैंने बताई थी बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट, ये अलाउंस यहां मैं 500 ले आऊंगा, ये भी लेस कर दिया. अब इन दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मेरे नेट रिसीवेबल होंगे 555,000, और इस 555,000 को मैं यहां ले आऊंगा. इसके बाद मेरा कैश एट बैंक आता है. अब देखो क्या क्या चीज मैं ले चुका हूं, इन्वेंट्री हो गई है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्री पेमेंट हो गया, अब कैश इन हैंड इसने दिया हुआ. ठीक है, तो कैश इन हैंड तो बात का मसला है, पहले कैश एट बैंक लेंगे, कैश एट बैंक. और इसके लिए हमें वर्किंग टेन बनानी पड़ेगी. क्यों बनानी पड़ेगी, ये बैंक की रिसीट दी हुई है और ये बैंक की पेमेंट्स दी हुई है, और हमें ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, ओवरड्राफ्ट था, तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है. इसके लिए मैं वर्किंग 10 बना रहा हूं, कैश एट बैंक और यहां लूंगा मैं बैंक ब्रॉट फॉरवर्ड. अच्छा ओपनिंग बैलेंस जो बैंक का है ना वो ओवरड्राफ्ट है, तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा ओडी बैलेंस. ओडी रिवर्स यानी एडवर्स बैलेंस होता है. अब जितनी मेरी पूरे साल में रिसीट्स हुई हैं वो ये डेबिट साइड पे आ रहा है 3818150. ये मेरे बैंक में रकम जमा हुई है, ये प्लस में लिखूंगा रिसीट्स 3818150, और जितनी पेमेंट्स हैं वो मैं माइनस में लिख दूंगा, और पेमेंट्स हैं 3249,000, और बैलेंस जो है अब देखिएगा फेवरेबल में कन्वर्ट हो चुका है. तीनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बैंक का और ये फेवरेबल आ गया. बैलेंस एज एट बैंक, ये बैलेंस एट बैंक आया, इस बैलेंस एट बैंक को यहां ले आया. अच्छा अब कैश इन हैंड की देखते, कैश इन हैंड में उससे हमें कोई हिंट नहीं दिया हुआ. ठीक है, कि बैलेंस कितना मौजूद है, सिर्फ ये कुछ पेमेंट शो किए हैं जी, ये आपने पेमेंट्स लिए हैं, लेकिन कोई रिसीट नहीं आ रही. तो हम सिंपली ये 10,000 की जो अमाउंट आ रही है कैश इन हैंड में इसको ले लेंगे. लेकिन दूसरा ये है कि आप कैश का लेजर भी बना सकते हैं, यहाँ पर कैश का लेजर बना के देख लें. कैश इन हैंड देखिएगा कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है. कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 10,000. यहां मैं लिखता हूं बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. अच्छा हमारे पास कैश कहां से आया है, देखो जितने भी रिसीवेबल से पेमेंट है वो बैंक में आ रही है, लेकिन ये डिपॉजिट अगेंस्ट कैश सेल है, तो जितनी आपने कैश सेल निकाली है ना वो आप यहां ले लो, वो कैश आया है आपके पास. और कैश सेल हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पर ऊपर वर्किंग में, दिस वन ये मेरे पास कैश रिसीट हुई. अब मैं सारी पेमेंट शो कर देता हूँ जो जो पेमेंट हमने किए. एक तो डिपॉजिट करवाया आपने 624,750, ये बैंक में डिपॉजिट करवाया 624,750, ये मेरा कैश आउट हुआ. इसके अलावा नीचे कुछ एक्सपेंसेस बता रहा है जो कैश में किए. आसिफ एस्टिमेट दैट ही विड्रॉ 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स आ गई 60,000 की, इससे भी कैश आउट होगा. और 25,000 आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे की. अब इसको बैलेंस करते हैं, इन दोनों को टोटल किया, ये मेरे पास कैश बैलेंस आ गया.
अब इसको बैलेंस किया, यानी इट मींस के टोटल जो है मेरे पास डेबिट साइड का टोटल 719,750 ये शो कर रहा है कि इतना कैश मेरे पास आया बिजनेस में और ये सारा कैश बिजनेस से आउट हुआ। ये फार्मूला लगाया तो 10,000 ही बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ये 10,000 बैलेंस जो है ये मैं कैश में ले आऊंगा, कैश इन हैंड, और ये वर्किंग नंबर 11 है। कैश वर्किंग नंबर 11। अब ये मेरे करंट एसेट भी पूरे हो गए, इसको टोटल कर देते हैं। ये मेरे पास 17,116,650 आया। अब ये नॉन करंट एसेट है, अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स 199,150, इसके सामने लिखूंगा टोटल एसेट्स। अब ये एक साइड मेरी मुकम्मल हुई, अब मैं सेकंड साइड पे मूव करता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, और यहाँ हेडिंग दूंगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये मेन हेडिंग आ गई। अब इसमें मैं सबसे पहले लेता हूँ इक्विटी। अच्छा, मुझे सबसे पहले चाहिए कैपिटल, और कैपिटल अगर आप देखो तो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिएगा आसिफ कैपिटल 613,300, यहाँ आते हैं, इसमें जितना भी नेट प्रॉफिट आपने निकाला है वो ऐड कर दें, और नेट प्रॉफिट मेरा कितना आया 6,361,381, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें से लेस कर दूंगा ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो यही है जो 60,000 रुपीस की है, उसको लेस कर दो इस वन, ये जो अभी हमने कैश इन हैंड भी लिखी है ये ड्राइंग्स लेस कर दें। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, अब इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 6% लोन, और कोई लोन अभी रीपे नहीं किया, तो यही आ जाएगा 6% लोन 500,000, ये एक ही है इसलिए हम इसको यहां पर ले आते हैं। उसके बाद मेरी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज में देखिए सबसे पहले उसने दिया हुआ ट्रेड क्रेडिट अमाउंट, ये वाली नहीं उठानी, ये ओपनिंग है ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा, अब यहां पर ट्रेड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, कहीं पर नहीं, इसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी वर्किंग नंबर 12। अब यहां मैं लेजर बनाऊंगा, ठीक है, और ये लेजर बनाता हूं मैं वर्किंग 12 ट्रेड पेबल्स। अच्छा, अब ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिएगा ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमारे पास ट्रेड पेएबल का 500,100, ठीक है। अब यहां परचेज आएगी वो भी गिवन है, परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन 2,570,000, ठीक है। अब पेमेंट्स आएंगे, अब टाइम बहुत कम रह गया, मैं इसे जरा स्पीड पकड़ रहा हूं, और आपने जो पेमेंट की है वो यहां से मिल जाएगी आपको पेमेंट, आपने 2,509,600 ये पेमेंट की आपने पेएबल को, इसके अलावा एक आई थिंक डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है 30,300। अब इसका जो बैलेंस आएगा दिस इज नॉन एज क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों को ऐड किया और यही टोटल मैं यहां ले आता हूं, और इसका डिफरेंस लिया दिस इज द बैलेंस कैरी ऑन, और इस बैलेंस को निकाला is equal to this amount minus, इन दोनों को लेस कर दें तो मेरे पास बैलेंस आ गया 530,200, ये मेरे क्रेडिटर्स आ गए 530,200, ठीक है। इसके अलावा आप देखें नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम है अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, अब अक्रूड एक्सपेंसेस हमें दिए हुए
बिल्कुल दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और ये है हमारे पास। अगर यहाँ देखो अक्रूड एक्सपेंसेस 19,000, लेकिन इसमें इंटरेस्ट अक्रूड शामिल नहीं है। अब अक्रूड इंटरेस्ट भी ले लें, अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बना था 30,000 और हमने पे कितना किया 22,500, 75 और पे करना है। अक्रूड इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अब रहा नहीं, लेकिन एक अक्रूड और दिया हुआ है, और वो क्या है? अब दो चीजें हमें यहां से मिलेंगी। देखें जो कमीशन आपने कैलकुलेट किया वो अभी पे नहीं की, मैनेजर की कमीशन, कमीशन पेएबल बन जाएगा, और ये कमीशन हमने कितनी कैलकुलेट की थी 18069, ये भी आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा 2500 का आपने एडवांसेस रिसीव किए हो, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये तब तक लाइबिलिटी देगी जब तक आप उसको गुड सेल नहीं करते। ये 2500 की इन सबको ऐड कर लो, दिस वन, और अब इन सबको प्लस करें 1,990,1,950, तो ये मेरा टैली कर गया टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड इक्विटी। ये लीजिए जी, आरफा आपने वो ले ली है पिक्चर अटेंडेंस की? जी जी सर ले ली। कि जो टेट्रा फोर वाले हैं इनका नाम जरा बता दें कौन है ये? सर आपसे नहीं पूछी गई, इस पिक्चर से पूछ रही हूँ। जी जी पिक्चर ले ली है सर। सर आवाज आ रही है आपको? सर आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आपने जरा एक दफा अच्छी तरह करना, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है? कल इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ये टेट्रा फोर वाले स्टूडेंट कौन थे?